बिल्कुल गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप सभी का बंटी हिमाचली यूट्यूब चैनल में। तो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। तो गाइस, आज है 27 अगस्त। सो आज का अपडेट ये होगा, भरमौर में जम्मू से बहुत से लोग आ रहे हैं। एंड गाइस, आपने पिछली ब्लॉग में काफ़ी सपोर्ट दिखाई है, जो पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो थी। सो ऐसे ही सपोर्ट अपनी बनाए रखो और डेली आपके लिए न्यू अपडेट्स आएंगी मनवेश यात्रा के रिलेटेड मेरे चैनल पे। और जिसे मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज का ब्लॉग ये है कि आज हम जाने वाले हैं भरमौर, और वहाँ पे जो भी जम्मू के लोग आएंगे उनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आपको क्या हेल्प चाहिए। मैं आप पीछे मौसम देख सकते हो, आज तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप लगने वाली है, बादल थोड़े से ही हैं, लेकिन मौसम बढ़िया है आज। एंड बहुत से लोग बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इतना क्राउड होने वाला है भरमौर में, तो पुलिस वाले किस किस के रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। सो अब मत करवाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि मनवेश यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस कब चलेगी। हेलीकॉप्टर सर्विस भरमौर में 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और अभी का कोई अपडेट नहीं है हेलीकॉप्टर का, और ना ही ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग हो रही है, ना ही भरमौर में कोई काउंटर लगा है। तो जैसे ही भरमौर में हेलीकॉप्टर सर्विस का ऑफलाइन काउंटर लग जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो मेरे चैनल में बने रहो और चैनल के साथ जुड़े रहो। आपके मनवेश यात्रा के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो बंटी हिमाचली यूज़र नेम की आईडी से, तो मैं आपको वहाँ पे जरूर सजेस्ट करूँगा कुछ ना कुछ, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी। सो गाइज, आज के ब्लॉग को करना इन्जॉय, एंड कल का ब्लॉग आपको मैं भरमानी माता लेकर जाऊँगा, और भरमानी माता में आपको पूरा बताऊँगा कैसे कैसे भरमानी माता जाना है। सो गाइज, बहुत से लोग DM कर रहे थे कि भरमौर में बढ़िया स्टे कहाँ पे मिलेगा। सो ड्यूरिंग मनीमेश भरमौर में बहुत क्राउड होता है, एंड आपको रूम्स भी काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मेरा भरमौर से 2 किलोमीटर आगे घर है, एंड अगर आपको कहीं भी गेस्ट हाउस चाहिए तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, और बढ़िया नॉर्मल प्राइस में आपको बुक कर सकता हूँ। आप मेरे गेस्ट हाउस में भी रह सकते हो अगर आपको स्टे करना है, तो वो भी नॉर्मल प्राइस में। उसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना अगर आपको नीड है एक बढ़िया स्टे की। तो गाइस, चलो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और मैंने भी काफ़ी वॉक कर ली और ब्लॉग भी बना लिया। सो आज की अपडेट्स आपके साथ करते हैं शेयर। सो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे आगे। गाइज, ये गाड़ी भी टूरिस्ट की है, ये देख सकते हो आप, टूरिस्ट जा रहे हैं। सो गाइज, इस साल की मनवेश यात्रा बहुत लेट है। जम्मू से बहुत से लोग इस टाइम तक मनवेश डल झील में नहा स्नान करके अपने जम्मू वापस भी चले जाते थे, लेकिन इस साल जो है मनवेश यात्रा बहुत लेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम हिमाचल में काफ़ी डिजास्टर हुई, लोग काफ़ी डर चुके हुए हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है। सो गाइज, ये यात्रा जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली है। दुनिया के काफ़ी कोने कोने से लोग इस पावन अवसर में मनवेश डल झील में स्नान कर कर जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप भी आराम से आ सकते हो। परमिशन लिया आपने? आपने
हरियाणा के सर आठ लोग सबके पास है ना, जल्दी जल्दी पता कितने क्या हो गया टाइम ना हो गया ना नौ के बजे आपने जल्दी से चले जाना हमने बिल्कुल 9 बजे जल्दी से निकल जाओ 9 बजे सो गाइज ये वो छड़ी यात्रा है जो भरमौर डल झील के लिए रवाना हुए हैं। हजारों की संख्या में ये छड़ी यात्रा में लोग होते हैं जो कि पैदल सफ़र करते हैं भद्रवाह से भरमौर के लिए। 14 या 15 दिनों में पहुंचेंगे, आप देख सकते हो। आपको वुडन रूम दिखाते हैं, ये पूरे वुडन रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी तक इधर पॉलिश नहीं हुआ है, जैसे पॉलिश हो जाएगा ये बिल्कुल शाइन करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का है और ये रूम है, तो जब पॉलिश हो जाएगा ये बिल्कुल शाइन करेगा, कुछ इस तरह का रूम। एंड यहाँ से पूरा भरमौर का व्यू दिखता है, आपको इसकी डिटेल्स जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको मणिमहेश यात्रा में वुडन रूम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। सो बने रहो ब्लॉग में।